रूपरेखा, ये हिंदी के प्रश्न पत्र में 3 अंक का आता है। यदि जल पर आता है तो आप कोटेशन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। और पॉइंट्स लिखेंगे, पहला प्रस्तावना, दूसरा जल का महत्व, जल के विविध स्रोत, जल का अभाव, जल समस्या का समाधान और उपसंहार। कंप्यूटर, इसमें भी कोटेशन लिख सकते हैं। इसमें किसमें इतनी शक्ति, साथ जो कदम धर सके, गति न पवन की भी जो मुझसे होड़ कर सके। और प्रस्तावना, भारत में कंप्यूटर का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर, विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर, रोजगार के क्षेत्र में कंप्यूटर और उपसंहार। वार्षिक उत्सव का महत्व आता है तो आप लिख सकते हैं कोटेशन, गा उठी हैं कंदराएं, बह उठे हैं स्रोत सरस की, हर्ष और उल्लास का नव पर्व छाया हुआ है। पहला प्रस्तावना, वार्षिक उत्सव की तैयारियां, वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम, छात्रों एवं अध्यापकों का अपेक्षित सहयोग, उद्घाटन एवं समापन दृश्य, उपयोगिता और उपसंहार। जीवन में खेलों का महत्व आता है तो कोटेशन लिखेंगे, खेल जीवन खेल, उसमें जीत जाना चाहता हूँ, खेल में ही जिंदगी का मीत पाना चाहता हूँ। और उसके पॉइंट्स लिखेंगे, प्रस्तावना, खेलों के प्रकार, मन व मस्तिष्क का खेल से संबंध, खेलों की वर्तमान स्थिति, खेल संसाधन में सुधार की आवश्यकता और उपसंहार। समाचार पत्रों की उपयोगिता आता है तो कोटेशन लिखेंगे, न तोप निकालो न तलवार निकालो, मुकाबिल है तो एक अखबार निकालो। पॉइंट्स लिखेंगे, प्रस्तावना, समाचार पत्रों के प्रकार, जन्म और विकास, समाचार पत्रों की आवश्यकता, समाचार पत्रों का महत्व, समाचार पत्रों की शक्ति, समाचार पत्रों का उत्तरदायित्व और उपसंहार। वन महोत्सव आता है तो कोटेशन लिखेंगे, जीवन का आधार पेड़ है, धरती का श्रृंगार पेड़ है, धरती का वरदान पेड़ है, सेवा का अवतार पेड़ है। फिर लिखेंगे प्रस्तावना, भारतीय संस्कृति एवं वन, वनों के विनाश का दुष्परिणाम, वृक्षों से लाभ, वन संरक्षण की जरूरत, वन महोत्सव आयोजन और उपसंहार। विद्यार्थी और अनुशासन, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काड़े काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। इसमें पॉइंट्स लिखेंगे, प्रस्तावना, अनुशासित जिंदगी, अनुशासन का महत्व, अनुशासन के प्रकार, अनुशासन का तात्पर्य, अनुशासनहीनता के कारण, विद्यार्थी एवं अनुशासन और उपसंहार। राष्ट्रीय एकता का लिखेंगे, राजनीति और अर्थशास्त्र के बिना भले ही जी लें, जन राष्ट्रीय एक के बिना असंभव है। इसमें लिखेंगे, प्रस्तावना, राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य, राष्ट्रीय एकता की जरूरत, देश की वर्तमान स्थिति, राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाले तत्व, राष्ट्रीय एकता तथा हमारा उत्तरदायित्व और अंत में उपसंहार। इस प्रकार ये आप कोटेशन सहित रूपरेखा लिखेंगे तो आपको 3 अंक पूरे मिल जाएंगे।